पानी निकासी भी है और पानी की किल्लत भी रहती है। तो सपोर्ट तो बहुत सरकार को चाल चली तहसील और भी चीजें धीरे 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 मान लो याद आवे तो जैसे भी डिलीवरी होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मुलायम सिंह जी की जगह दीवार लगाई थी इनमें कंटा की दीवार मतलब की है मैं तोड़ी अयोध्या में मतलब कांग्रेसी होते पक्का पक्का हो गए मैं तो विकास करी बिगा। राम राम समय था देसी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो दिल को चूर आपा बिद्दा सर में आज 35 वर्ल्ड है टोटल और अब नई के तरह है बा देखांगा समुदाय पर जनता भी इतना होगा। पहले तो जी सरकार की योजना है बा योजना ने हमारे मतदाताओं तक पहुँचाने को काम मारी प्राथमिकता रहसी और एक मेरा अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनसे एक वादा है कि जैसे ही मतलब मेरे को वो वार्डवासी यदि आशीर्वाद देते हैं तो हमारे यहाँ चौक है उसमें राष्ट्रपति जो हुए है हमारे अब्दुल कलाम उनकी प्रतिमा का अनावरण मैं मेरे कार्यकाल में कर सकूं ये मेरी इच्छा है। पूरा वार्ड है जो हमारा परिवार है और परिवार में मरीज की व्यक्तिगत समस्या जहाँ मारा हुआ है भी टाइप की समस्या में आने गंदी कोई वार्ड डालेंगे चाहे पेंशन से संबंधित हो और चाहे आधार कार्ड से संबंधित हो और उनकी कोई भी कमी जैसे उनका बिजली का बिल भी ज्यादा आ गया है ना बिजली पानी का कांग्रेस वाले बढ़ा दिए थे कम करवा देगा फिर नहीं कांग्रेस वालों ने बढ़ा कौन सा दिया बिल पेट्रोल का बढ़ा दिया इन बिजली वाला दाम बढ़ा रखे है फिर ठीक करो मैं कम करा क्यों बढ़ाओ पहली तो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा नहीं अच्छा, पेट्रोल जी मान लो हरियाणा मिले 80 रुपया 8 मिले 90 रुपया तो केंद्र सरकार आगे बीच में क्यों डीजल पेट्रोल रेट तो केंद्र सरकार के दिए ना और बनिया हरियाणा में क्यों सस्ता कर रखे है फिर 10 रुपया केंद्र है रेट बात करते हो तो बीजेपी की बहुत सरकार है वहाँ से राजस्थान में जाते हैं क्या हरियाणा नहीं जा कर थे कह रहे हो के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करे तो फिर 10 रुपया आपने राजस्थान में क्यों ज्यादा है। राजस्थान सरकार तो सिर्फ रेट लगाती है राजस्थान में सरकार कांग्रेस है नहीं ठीक बजे क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो सपोर्ट तो बहुत सरकार को चाल छे ठीक बजे तो 10 रुपया नाम कांग्रेस को कर दी बिजली बिल में जी बढ़ोतरी है वास्तव मतलब के और जनाक्रोश है जनाक्रोश और यदि कोई राहत नगर पालिका चुनाव की तरफ कोई कोशिश यदि हो सके तो मैं हमारे स्तर पार्टी ने मतलब किया लिखित रूप में और मेरी मांग कर सरकार है थे जुड़ाव की बात कर रहे हो तो वोट मांगा जी एक चीज और चाले बोलो कड़ियों कड़ी जोड़ दिया तो कड़ियों कड़ी आवाज भी तो पूछनी चाहिए बेटे कभी जनता का समस्या आ रही है साहब उसमें तो वाजिब है वो कड़ी से कड़ी है वो अभी सरकार जो है वो मतलब क्या है कि कांग्रेस की है जयपुर में देखें तो या पंचायतों में भी थोड़ी बड़ी मतलब क्या है बीजेपी से कम है लेकिन है तो कड़ी से कड़ी नगर पालिका की सरकार बनेगी तो कड़ी से कड़ी वही जुड़ेगी। विद्या सर कैसे अपन समुदाय जी कहाँ पर आज भी जी यहाँ कोई भी सरकार है जी की ध्यान कौन दियो पानी पीना रहो एंगलावा जी पानी निकासी की बात करना बात हो पानी निकासी की भी है और पानी की किल्लत भी रहती है। समस्या हमारे न्याय प्रक्रिया की है क्या यहाँ पे तो सेशन मजिस्ट्रेट लगना चाहिए रेलवे लाइन की और भाभी कई टाइम मांग चल रही है मगर माननीय सांसद मोदी बीबी को और ध्यान दियो जगह बार है बीजेपी का और बी के बारे में मतलब किए गए मैं कह वार्ड मेंबर या सरकार बनने के बाद में जितना प्रयास हो उसके मैं कर सकता कमी है जैसे भी डिलीवरी होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है दूर से डॉक्टरों के यहाँ बदले कर देते वो कोई ज्वाइन नहीं करता बड़ी समस्या है डॉक्टर की कमी रे बैठ तो डिलीवरी कराने की कोई महिला चिकित्सक है भी को नहीं है और अटे का लोग है जगह वे डिलीवरी कराने वास्ते एक नर्स है चाड़ वास में बिकन ही जावे या मान्यता है अटे का कोई भी जो बच्चों पैदा होना रहे तो डिलीवरी विदासन मत कराओगे चाड़ वास जार कराओ नॉर्मल डिलीवरी करावे बिना सर्जरी के हॉस्पिटल है या डॉक्टर की कमी है कि थोड़ा मोटो नहीं हॉस्पिटल तो है बड़ा हॉस्पिटल है सर विधानसभा क्षेत्र मांग चल रही है विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ है थारे पे चुनाव भी होना है हाँ उपचुनाव होना है सर की तो असर मिल रहा जहाँ मंत्री जी जाने बाद में कांग्रेस ने घाटो हो या फायदा नगर पालिका यदि कांग्रेस की बन जाए नगर पालिका कांग्रेस की ही बढ़ेगी क्योंकि हमारे दिवंगत मंत्री महोदय भंवरलाल जी ने विद्याश्रम में विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। निर्दलीय कितों का रखा काम करा है निर्दलीय जैसे कुछ संतुष्ट जैसे वार्ड में किसी एक ही मेंबर को टिकट दिया जा सकता है कार्यकर्ता बहुत से होते हैं पार्टी के तो कुछ लोग निर्दलीय जो संतुष्ट हुए हमारे ही वो निर्दलीय भी हमारे ही आदमी है। टिकट वितरण में बहुत गड़बड़ी करी होगा बहुत लोग नाराज करे हो कांग्रेस बीजेपी वो दोनों करे भारतीय जनता पार्टी में जितनी गड़बड़ी हुई है नहीं वित्तीय तो शायद माघ पार्टी में को नहीं हुई
ये नाराजगी लाजमी है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता था और कार सेवक भी था। 1992 में 6 दिसंबर को जिकी कार सेवा हुई नी, फिर मैंने मैं कार सेवक हो मुलायम सिंह जी की जिकी दीवार लगाई थी मैं कंटांगी बा दीवार मतलब किए गए मैं तोड़ी अयोध्या में। ये उम्मीदवार है बीजेपी कांग्रेस का जो कि हमेशा बीजेपी का वर्कर रहा, कार सेवक रहा, इसको नेगलेक्ट किया पार्टी ने, जबकि ये वार्ड में भी काम के लायक आदमी था, पढ़ा लिखा है, जानकार है, वार्ड के जो इनके वोटर्स है वो इनके साथ है। इसके बाद भी बीजेपी ने इसको नेगलेक्ट किया। अब फिर नेगलेक्ट कर दी बीजेपी क्यों करी थी? बिल्कुल कर से हाँ, जितनी ऊर्जा है इतनी पूरी पार्टी में लगा से कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि हमारी योग्यता की कदर तो कांग्रेस करी है। जनता तो कहेगी कि मतलब है तो दल बदल नेता है, मैं क्या कान माना? नहीं, हमारी व्यक्तिगत छवि इतनी बढ़िया है कि मैं कोई गलती कर सकूँ, हमारा वार्ड का समझ में को नहीं आवे। यानी मारा वार्ड वाला मारा सगे है बिया भी ये चुनाव हुए नहीं जगह नगर पालिका का साहब है, वे कोई सिंबल हूँ वे को नहीं, व्यक्ति विशेष का चेहरा हूँ वे का एक तो है नहीं जिसको आपने काम समान दिया। कांग्रेस पार्टी इस बार नट क्या लड़ पे टिकट था टिकट दे छा टिकट दे टिकट दे वहां ये तो बीजेपी आ रे मिला जो वो कांग्रेस में आया होगा एक आता को नहीं है समान दिया। बहुत बड़ी बात हुआ 35 में कांग्रेस कितनी सीट ले सके? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 21 सीट आएगी, ये मेरा दावा है। स्थानीय मुद्दा है जिसका कौन सा रवे विधा सर के अंदर आवी स्थानीय? तो देखो विकास आम जनता को गरीबों के गरीब हो स्थानीय जनता में तो करना कौन सा कोई है कांग्रेस पार्टी करे बात बीजेपी आ रखा है मोदी हूँ बढ़िया कोई विकास करी कर वो तो देखो विकास तो मोदी हुए हाँ ऊंची के लेवल में मोदी हुए लेकिन गरीब के लिए तो मोदी है। ये फायदा है जिसको अतिरिक्त है कांग्रेस पार्टी जनता ने दी है? फायदो तो देखो पानी है बिजली है जो कोई गरीब के कोई इंदिरा आवास है अभी कांग्रेस वाला दे रही है, थोड़ी बहुत सुनाई भी करे बीजेपी सुनाई को नहीं करी ऐसी बड़ी बात।